सास्की, नारुतो, चलो चलते हैं। आ रहा हूँ, मेरा हाथ छोड़ो सकुरा। बड़ा हिम्मत वाला है, तुम उसे चैलेंज करोगे? ली, किसका इंतजार कर रहे हो? हमें चेक इन करना है ना? मैं बस एक मिनट में आता हूँ, तुम अपना चेक इन करवा लो, मुझे बस एक छोटा सा काम है। उसे क्या काम होगा? मुझे कैसे पता हो सकता है? ए सुनो अकड़ू लड़के, वहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे लड़ना है अभी इसी वक्त। तुम मुझसे इसी वक्त लड़ना चाहते हो ना? हाँ, मेरा नाम है रॉकली। तुमने ही कहा था किसी और का नाम पूछने से पहले अपना नाम बताना अच्छी बात होती है। सास्के उचीहा। तो जानते हो तुम मुझे। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। सब हमेशा उचीहा क्लैन और उसके महानता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे देखना है वो सच है या नहीं। मेरे ख्याल से तुमसे लड़कर मैं ये जान लूंगा, और साथ ही मैं ओ साकुरा, तुम कितने सुंदर हो। वो आईब्रोस असली नहीं हो सकती, नहीं। तुम्हारा हेयर स्टाइल भी कितना गंदा है, आईब्रोस की तो बात ही छोड़ो, तुम एकदम अजीब हो। लो ये मेरी दोस्ती का तोहफा, सिर्फ तुम्हारे लिए। हे, अपनी घटिया हरकतों को अपने पास रखो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। इतना नाराज होने वाली कोई बात नहीं साकुरा। वो सास्के से लड़ना चाहता है, हमेशा सास्के ही क्यों? तुम्हें मेरे क्लैन के बारे में जानना है ना? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या चीज हूँ। रुक जाओ। पहले मैं उससे निपटूंगा, ये बेवकूफ मेरा शिकार है। जाओ दिखा दो। नारुतो, क्या हुआ? बस दो ही मिनट में ये मेरे आगे दया की भीख मांगेगा। नहीं, रहने दो, इस वक्त तो मुझे बस उचीहा से ही लड़ना है। अच्छा, तो फिर एक बात जान लो, सास्के मेरे आगे कुछ भी नहीं, यकीन करो। मान भी जाओ, तुम मेरे आगे टिक नहीं सकते, तुम्हारे स्किल्स में वो बात नहीं। वाह, इसके मूव्स तो काफी अच्छे हैं। क्या है ना सास्के, सभी टॉप लीफ गेनिन में से मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझसे लड़ो, मैं ये बात तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। अब मजा आएगा। वो आ रहा है, मुझे माफ करना गाइस सेंसेई, जानता हूँ ये करना मना है, पर शायद मुझे रूल्स तोड़कर इस्तेमाल करना पड़ेगा वो जुत्सु। लीफ हरिकेन। क्या? अब मैं वो टेक्निक ट्राई कर सकता हूँ। क्या ये सच है? क्या वो शारिंगान है? तो ये होता है शारिंगान। कोई नहीं बता सकता सास्के कब क्या करेगा, वो कमाल का है। अगर वो ककाशी सेंसेई के शारिंगान जैसा है तो वो ली के जुत्सु को आराम से पढ़ लेगा और उसे हरा देगा। केनजुत्सु या निनजुत्सु, वो जिसका भी इस्तेमाल कर रहा है, अब मैं उसे देख लूंगा। सास्के दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है, एक उचीहा होने की यही तो निशानी है। सास्के ऐसे बंदे से तो हार ही नहीं सकता, कभी नहीं। या? वो क्या है ना, मेरी टेक्निक ना निंजुत्सु है और ना ही गेनजुत्सु। मैं टाइजुत्सु इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें कोई ट्रिक्स नहीं होती। सास्के सीधा साधा मार्शल आर्ट्स होता है और कुछ नहीं। तुम्हें तो मैं तुम्हारी टेक्निक जानता हूँ, रहने दो, वो काम नहीं करेगी, मुझ पर तो नहीं। मुझे पता है तुम अपने ओपोनेंट का जुत्सु देख सकते हो, वो शारिंगान तुम्हें उसके चक्र को पढ़ने और उसके हैंड साइंस और मूवमेंट्स को समझने की काबिलियत देता है। तुम ओपोनेंट से भी पहले जान लेते हो कि वो क्या करने वाला है, पर एक बात बताऊं, प्रॉब्लम यह है कि ताइजुत्सु थोड़ा सा अलग होता है। अच्छा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं अपने मूव्स को छिपाने की कोशिश नहीं करता, इसकी जरूरत नहीं होती। अगर तुमने उन्हें पढ़ भी लिया तब भी तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे, तुम बहुत स्लो हो। दो तरह के निंजास होते हैं, पहले तुम जैसे जो टैलेंटेड पैदा होते हैं और जिन्हें उसके लिए काम नहीं करना पड़ता, और दूसरे मुझ जैसे जिन्हें हर एक दिन उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है।
मेरे अपने एक्सट्रीम ताइजुत्सु के आगे तुम्हारे शारिंगान का कोई फायदा ही नहीं। ये देखो नमूना, मुझे इसे रोकना होगा। अब मैं अपनी बात साबित करूंगा, ये की कड़ी मेहनत कुदरती टैलेंट को मात देती है। इसका अगला मूव क्या होगा? ठीक है, अब बहुत हुआ ली। ये कहां से आ गए? उसने सास्के को हरा दिया। कुछ तो हुआ जब मैं बेहोश था। उसने क्या किया? आप शुरू से ही हमें देख रहे थे। बिल्कुल, उस आखिरी टेक्निक का इस्तेमाल मना है, तुम जानते हो। वो एक टर्टल से बात कर रहा है और वो उसे जवाब दे रहा है। माफ करना, मैं करना नहीं चाहता था, पर वो टर्टल से माफी मांग रहा है। जरा एक मिनट, कहीं वो उसके सेंसी तो नहीं? मेरा वो जुत्सु इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था, वो तो बस मैं उसे लड़ने में लगा हुआ था। और आप समझ रहे हैं ना, मैं सही हूँ, तो वो उसकी सेंसी ही है। वो अभी जिसे बात कर रहा है वो एक टर्टल है ना? जाहिर है, तुम्हें कुछ और दिख रहा है क्या? तो ठीक है, शायद इसका मतलब है कि टर्टल्स भी सेंसे हो सकते हैं। मुझे कैसे पता वो सेंसे है या नहीं? मैं उस बेवकूफ से हार कैसे गया? क्या तुम अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हो? मैं? जी सेंसे। तो ठीक है, फिर बाहर आ जाओ गाय सेंसे। ए, क्या हाल है, कैसे हो तुम सब, मजे कर रहे हो ना? इनकी आईब्रोज तो और भी बड़ी है, जैसे चेहरे पर घास उगी हो। अब पता चला ली ऐसा क्यों दिखता है, वही उल्टे कटोरे जैसा हेयर कट और उससे भी ज्यादा घनी आईब्रोज। हे गाइस, सेंसे की इंसल्ट मत करो, ये पूरी दुनिया के सबसे महान सेंसे में से एक है। माफ करना, मैं इनकी महानता नहीं देख पाया, मैं उन्हें एक टर्टल के नीचे से रेंग कर निकलता हुआ देखने में बिजी था। वो नीचे से रेंगते हुए नहीं आए। शांत हो जाओ ली, अब तुम्हारी सजा की बारी है। आप बेवकूफ कहीं गए? मुझे माफ करना ली, पर इसमें तुम्हारी ही भलाई है। सेंसे, ओ ओ सेंसे, मुझे माफ कर दीजिए। ओली, कोई बात नहीं, चुप हो जा, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं। सेंसे, मैं इतने बेकार निंजा से कैसे हार गया? कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र ही कुछ ऐसी है। अब चलो भागो, मेरे लिए प्रैक्टिस फील्ड में 100 चक्कर लगाओ, दिखा दो तुम क्या कर सकते हो। जी सेंसे, अभी लीजिए। डूबते हुए सूरज की ओर भागो, भागो और भुगतो, पर बाल बिखरने मत देना। चलो शुरू हो जाओ। जी जाओ, अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, आप लोग ऐसे कैसे जा सकते हो? हा? और चुनिंग एग्जाम्स का क्या, अभी ये सब करने का वक्त नहीं है। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। ली, एक तो तुमने लड़ने वाला रूल तोड़ा, ऊपर से तुमने चुनिंग एग्जाम में भी बाधा डाली, इसके लिए तो तुम और भी कड़ी सजा के हकदार हो, है ना? जी सेंसेई। तो फिर 500 चक्कर काटने की सजा कैसी रहेगी? बहुत बढ़िया सेंसेई। इनका स्क्रू ढीला है। ये जरूर काकाशी का स्क्वाड है, जरा इन्हें भी नाप लेता हूँ। बचाओ, वो हमें देख रहे हैं। बताओ काकाशी सेंसेई कैसे हैं? आप उन्हें जानते हैं? क्या मैं काकाशी को जानता हूँ? वैसे लोग कहते हैं कि मैं और वो अनंत काल के लिए दुश्मन है। ये नहीं हो सकता। मेरा रिकॉर्ड है 50 जीत और 49 हार, इसका मतलब मैं उससे अब भी एक पॉइंट आगे हूँ। सच तो ये है, मैं काकाशी से ज्यादा ताकतवर और तेज हूँ। क्या? ये मजाक है, ये काकाशी को कैसे हरा सकते हैं? ये खुद को काकाशी से बेहतर बता रहे हैं, क्या ये सच हो सकता है? मैं ली की हरकतों के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ, मेरी आंखों में देखकर मेरी माफी कबूल करो। मुझे तो नहीं लगता ये झूठ बोल रहे हैं। और जरा ये भी देखो कि मैं कितना हैंडसम हूँ। बाय। जी सेंसेई। लगता है उचिया वाले उतने भी महान नहीं जितना सब उन्हें समझते हैं। नारुतो, तुमने उसके हाथ देखे थे ना जब उसने टेप निकाली थी? मुझे तो ऐसा लगता है कि मिस्टर कटोरा कट लगातार ट्रेनिंग करता है, दिन रात नॉन स्टॉप।
तुमसे तो ज्यादा ही करता है। समझ गया। ये सब और भी दिलचस्प होता जा रहा है, खास तौर पे चुनिन एग्जाम्स। अब देखना है आगे क्या होता है। हाँ। तो चलो हो जाए नरोटो सकुरा। Yeah!